नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मासिस्ट धर्मेंद्र में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल एक आम समस्या हो गई है और बहुत लोग इसका शिकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले तो भाई आपको समझाएंगे हम कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे उसके बाद में आपको हम बताएंगे कि जो ब्लड प्रेशर है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। जैसे कि भाई कोई छोटा बच्चा है, कोई 10 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 65 साल का है, तो इनमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है वो क्या है। उसके बाद में दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या लक्षण यानी कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसमें डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं, जो कि डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइफ स्टाइल में आप क्या क्या चेंजेस करें ताकि ये जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो आपकी ठीक हो सके। साथ ही दोस्तों बताएंगे कि इसमें जो डॉक्टर हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही भैया अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर है भाई आखिरकार ये है क्या। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोला जाता है, हिंदी में इसे उच्च रक्तचाप बोला जाता है। बात करते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर की, तो आपने हमेशा सुना होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, किताबों में भी पढ़ा होगा, 120/80 mmHg होता है। ये आपने अक्सर किताबों में लिखा या फिर किसी से सुना होगा। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि जो बीपी है वो वास्तव में है क्या। दोस्तों बीपी में दो टर्म आते हैं, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक। सिस्टोलिक जो 120 है वो ऊपर वाला पार्ट है, डायास्टोलिक जो 80 है नीचे वाला पार्ट है वो पार्ट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं आप इसे समझिए। फ्रेंड्स, जब हमारा हार्ट पंप करता है, जब हार्ट ने पंप किया तो क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो आर्टरीज में जाएगा। कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा। जो हार्ट होता है वो ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करता है, तो क्या होगा कि जो आर्टरीज की दीवार है उस पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उसी प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाते हैं कि भाई डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डायास्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या होता है आप समझिए। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो आर्टरीज की दीवार पे मिनिमम प्रेशर क्रिएट होता है उसको डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की रेंज है एक हेल्दी पर्सन में वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बच्चे जन्म लेते हैं और 6 महीने तक, मतलब जन्म लेने से 6 महीने तक जो उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 45 से 90 होना चाहिए, नॉर्मल है। डायास्टोलिक जो है वो 30 से 65 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो बच्चे 6 महीने से 2 साल के बीच में हैं उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से 100 होना चाहिए। वहीं पे डायास्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 40 से 70 होना चाहिए। जो बच्चे 2 से 13 साल के बीच में हैं उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 होना चाहिए और डायास्टोलिक 40 से 80 mmHg होना चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज है। 14 से 18 साल के बीच में जो हैं उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से 120 होना चाहिए, डायास्टोलिक 50 से 80 होना चाहिए। दोस्तों जो 19 से 40 साल के बीच में हैं उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है
वो 95 से 135 होना चाहिए सिस्टोलिक, और डायास्टोलिक की बात करें तो 60 से 80 होना चाहिए। जो 41 से 60 साल के बीच में हैं उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 145 जो कि नॉर्मल है, और ये सिस्टोलिक है, डायास्टोलिक 70 से 90 होना चाहिए। वहीं पे जो 61 साल से ऊपर हैं, ज़्यादा एज के लोग हैं, उनमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 95 से 145 सिस्टोलिक होना चाहिए, डायास्टोलिक 70 से 90 होना चाहिए। यूनिट सबको पता है MMHG होता है, मिलीमीटर मरकरी। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि भाई किन कारणों से आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेगा उसमें है एज। जो एज है वो फैक्टर जो है बीपी को बढ़ा सकता है, ठीक है। सेक्स, वो मेल है या फीमेल है। वेट, आदमी का भार, जिनका वेट बढ़ा रहता है उनको बीपी की प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती है। तो अगर वेट ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर के चांस हो जाएं। उसके बाद में जो है एक्सरसाइज, इमोशंस या फिर जो स्ट्रेस लेते हैं, चिंता तनाव करते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनमें भी ये बीपी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है ब्लड प्रेशर। साथ ही दोस्तों, अगर किसी को डिजीज़ है, बहुत सारी डिजीज़ हैं, तो तब भी ये जो ब्लड प्रेशर है ये आपका जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों, रिसर्च से पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ता रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको इतनी जल्दी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, जब तक आपका ब्लड प्रेशर सीवियर ना हो जाए। अगर आपका ब्लड प्रेशर सीवियर हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो उसमें शामिल है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके सर में दर्द होना, नाक से नोज ब्लीड होना, नाक से खून निकलना, ब्लड निकलना, बहुत ज़्यादा थकान और कन्फ्यूज़न सा रहना, ठीक है दोस्तों, और देखने में आपको प्रॉब्लम होने लगना, साथ ही चेस्ट पेन होना, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, साथ ही दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब आपके जो दिल की धड़कन है, हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो जाना, ठीक है। और साथ ही आपके यूरिन में ब्लड भी दिख सकता है। दोस्तों, ये हैं इसके कुछ सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप ब्लड प्रेशर को सही टाइम पे ट्रीट ठीक नहीं करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको भी आप ध्यान से समझें। सबसे पहले तो दोस्तों, जो आपकी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएंगी और डैमेज होने के चांस हैं। साथ ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको हो सकती है। इनलार्ज्ड लेफ्ट हार्ट, जो लेफ्ट हार्ट है वो बढ़ सकता है, ठीक है। हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। ट्रांसिएंट इस्टमिक अटैक भी आपको हो सकता है, स्ट्रोक की दिक्कत होना या फिर डिमेंटिया, ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर किडनी स्केयरिंग, जिसको ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये भी हो सकता है। किडनी फेल्योर भी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है आपकी। डैमेज टू द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना, और आँख की जो रेटिना है उसमें जो ब्लड वेसल्स उसको ब्लड का सप्लाई कर रही हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। साथ ही दोस्तों, फ्लूड बिल्टअप अंदर द रेटिना, रेटिना के अंदर फ्लूड मतलब पानी भर सकता है, जिसको कोरोइडोपैथी कहते हैं। साथ ही आपकी नर्व डैमेज हो सकती हैं, जिसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, आपने समझा
अब हम आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाके ये जो ब्लड प्रेशर है इसको कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आप अगर साल्ट ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको कम करने की ज़रूरत है, और पोटेशियम का लेवल आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और एल्कोहल का जो लोग सेवन करते हैं वो इसको बिल्कुल बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो बहुत ही कम मात्रा में एल्कोहल का सेवन करें। भाई बहुत लोग बोलते हैं कि मुझसे नहीं छूटती है, तो आप ऐसा करें कि एल्कोहल का बहुत ही कम मात्रा में सेवन करें। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, साइकिलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम आपको फाइनली बताते हैं कि अगर आपके ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई है तो डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला है वो है डायूरेटिक। डॉक्टर आपको डायूरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, जिसको वाटर पिल भी बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्लोरथालिडोन हो गया, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड हो गया, और अदर भी मेडिसिन इसमें बहुत सारी हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एस इनहिबिटर कहते हैं। ये भी मेडिसिन डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसमें जैसे कि लिसिनोप्रिल हो गई या फिर दोस्तों कैप्टोप्रिल हो गई, तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारी इस कैटेगरी के मेडिसिन हैं, मैं एक एक दो दो का एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो फेमस हैं। साथ ही दोस्तों एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको ARB भी बोलते हैं। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, इसमें अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसमें जो सबसे फेमस मेडिसिन आती है दोस्तों, लोग इसका नाम जानते होंगे, जो कि है लोसार्टन। डॉक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस दवाई का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर में करते हैं। इसके बाद में जो कैटेगरी आती है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये मेडिसिन के बारे में बात करें, ये भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसमें जैसे कि एम्लोडिपाइन हो गया, डिल्टियाजेम हो गया, तो ये दवाइयाँ जो है डॉक्टर यूज़ करते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ एडिशनल मेडिसिन भी हैं जो डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा ब्लॉकर हो गया, अल्फ़ा ब्लॉकर में डॉक्साजोसिन हो गया, अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर हो गया, जिसमें जो है कार्बाइडिलॉल होता है, लोबेटेलॉल होता है, ये दवाइयाँ आती हैं। बीटा ब्लॉकर जैसे कि एसब्यूटोलॉल हो गया या फिर एटिनोलॉल हो गया, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में दोस्तों स्पिरिनोलैक्टोन हो गया, आपने नाम सुना होगा, और कुछ वैसोडायलेटर क्लास की भी दवाइयां डॉक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रलाजीन हो गया, फिर मिनोक्सिडिल हो गया। सेंट्रल एक्टिंग एजेंट भी कुछ हैं, जैसे कि क्लोनिडीन हो गया या फिर मेथिलडोपा हो गया। ये सारी दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगला वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।